ग्वालिन का ख्वाब। गीता एक जवान लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। गीता एक ग्वालन थी जिसके पास दो गायें थीं। वो हर रोज अपनी गायों का दूध निकाला करती थी और अपने सिर पर दूध का बर्तन उठाकर पास के शहर में जाती। दिन भर दूध बेचने के बाद वो शाम को घर वापस आती। गीता अपनी गायों की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, उन्हें अच्छा खाना देती, उन्हें साफ रखती। दादी को गीता से बहुत मोहब्बत थी, पर गीता दिन में बहुत ज्यादा ख्वाब देखा करती थी। वो ख्वाब देखती और ज्यादा दौलतमंद बनने के। उसके दिन के ख्वाब हमेशा उसे मुसीबत में डाल देते। गीता, गैया तबेले से बाहर जा रही हैं, वो खो जाएंगी, तुम उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? ओह, माफ करना दादी माँ, मैं ख्वाब देख रही थी, सोच रही थी। ओह, मैं जानती हूँ तुम किस बाबत सोच रही थी। हमेशा ख्वाब देखती हो और ज्यादा दौलतमंद बनने के, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ख्वाब देखना ही तुम्हें दौलतमंद नहीं बनाता। दिन में ख्वाब देखने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। पर गीता नहीं सुनती थी। उसके दिन के ख्वाब कभी बंद नहीं हुए। एक दिन जब गीता दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी, उसकी दादी अम्मा ने उसे बावर्ची खाने में बुलाया। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें दूध बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों दादी माँ? कल हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ी शादी की दावत हो रही है। सरपंच अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा है। आस पास के गाँव से सभी अहम लोग इस शादी में शिरकत करेंगे। क्या तुम समझ रही हो? एक निकाह? ये यकीनन बहुत बड़ा जश्न होगा। तमाम दौलतमंद लोग वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन दादी माँ, हम दूध क्यों ना बेचें? क्या सरपंच नाराज हो जाएंगे? ओह, नहीं मेरी प्यारी बच्ची। सरपंच चाहता है कि उसका बावर्ची बहुत किस्म की लजीज मिठाइयाँ बनाए। उसने खुद मुझसे कहा है कि इस जश्न के लिए एक बहुत बड़े ताजे दूध का बर्तन मैं उसे भेजूं। उसने वादा किया है कि वो हमें उससे दुगना दाम देंगे जो हम एक रोज में बाजार से कमाते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है और ज्यादा दौलत कमाने और पड़ोसी गांव में इज्जत कमाने का। दुगना पैसा? दादी माँ, क्या कल मैं उस शादी में जा सकती हूँ? मैं इस बात को तवज्जो दूंगी कि हर कोई ये जान ले कि वो मिठाइयाँ उस दूध से बनी है जो हमने सरपंच को बेचा है, और फिर सरपंच मोहतरमा मेरा सबसे तारुफ कराएंगी। ओह, मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनूंगी और शान से चलूंगी। हम इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। वहाँ हर कोई मेरा नाम जानेगा। हवाई किले मत बनाओ। हमारा दूध अभी तक गाँव पहुँचा भी नहीं है। बावर्ची ने अभी तक दूध को सूंघा भी नहीं है, और तुम अभी से ख्वाब देख रही हो कि उन्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद आएंगी। ओह, मैं इस लड़की का क्या करूं? माफ करना दादी माँ, मैं ये दूध गांव लेकर जाऊंगी। लो, इसे लो, और याद रखना कि दूध की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आज के लिए हमारे पास इतना ही दूध है, और जरूरत से ज्यादा रास्ते में कहीं रुकना मत। मैंने सरपंच से वादा किया है, अगर वक्त पर उस तक दूध नहीं पहुंचेगा, तो दुगना पैसा तो भूल जाओ, हम शादी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। वादा खिलाफी के बाद सरपंच के रूबरू जाना शर्मिंदगी का बायस होगा। फिक्र मत करो दादी माँ, मैं इस बर्तन और दूध की पूरी हिफाजत करूंगी। आप देखना कि आप सरपंच से भी ज्यादा दौलतमंद हो जाएंगी थोड़े ही वक्त में। सरपंच बाकायदा हमसे ही दूध खरीदेंगी। याद रखना गीता। जानती हूँ। हवाई किले मत बनाओ। मैं चलती हूँ दादी माँ। होशियार रहना। गांव का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा था। गीता को ताजे फूलों और बेरों की सुगंध बहुत पसंद थी, पर उसे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये रास्ता कितना खूबसूरत है। आह, पर ये छोटे छोटे पत्थर मेरे पाँव में चुभ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही शहर में एक बड़ा सा घर बना लूंगी, तब मुझे इतना ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। मैं दौलतमंद हो जाऊंगी। दौलतमंद लोग पैदल नहीं चलते।
गीता अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए चलती गई। ये बर्तन तो बहुत वजनी है। कोई बात नहीं, मैं खुद के लिए एक बैलगाड़ी खरीदूंगी। तब पूरी मशक्कत बैलों के जिम्मे आ जाएगी और मैं सिर्फ आराम करूंगी। दौलतमंद लोग यही तो करते हैं। चलते चलते वो गांव के बहुत करीब पहुंच गई थी। दौलतमंद होने के लिए बस मुझे कुछ ही मील चलना होगा। ओह, पर आज जो पैसों में इजाफा होगा मैं उसे कैसे खर्चूंगी? क्या मैं और ज्यादा गाय खरीदूं? नहीं, मुझे उन सबका दूध निकालना पड़ेगा और फिर बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा काम होगा। मैं मुर्गियाँ खरीद सकती हूँ। उस इजाफी पैसे से मैं बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदूंगी। लेकिन मैं इतनी मुर्गियाँ कहाँ पर रखूंगी? मुझे एक छोटा सा दरबा बनाना पड़ेगा। मैं अकेले ये सब कैसे कर सकूंगी? कल शादी पर मैं सरपंच से गुजारिश करूंगी कि वो एक छोटा सा दरबा बनाने में मेरी मदद करें। आखिरकार वो मेरी ही गायों का दूध तो इस्तेमाल कर रही होंगी ना? उनके तो बहुत से खादिम होंगे। मैं अपनी सारी मुर्गियों को दरबे में रखूंगी। मुर्गियाँ बहुत सारे अंडे देंगी। वो अंडे सेंगी और फिर मेरे पास और ज्यादा मुर्गियाँ हो जाएंगी। मैं उन मुर्गियों को ऊंची कीमत पर बेचूंगी। मुझे उन मुर्गियों से बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा। उससे मैं एक बैलगाड़ी खरीदूंगी। मैं सभी मुर्गियों, अंडों और दूध को गाड़ी पर ला दूंगी और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाऊंगी। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और मैं खादिम और खादिमाएं रखूंगी। फिर मैं एक बहुत ही दौलतमंद खातून बन जाऊंगी। इस सरपंच मोहतरमा से भी अमीर। बहुत से दौलतमंद लोग फिर शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आएंगे, पर मैं कहूंगी ना। जब गीता लोगों को ना कहने का ख्वाब देख रही थी, उसने बहुत जोर से अपना सिर हिलाया और उसके सिर पर रखा दूध का बर्तन एक ऊंचे छपाके के साथ जमीन पर आ गिरा। बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया और पूरा दूध अब जमीन पर गिर गया था। गीता वहां बैठी रोने लगी। उसके सारे ख्वाब, उसकी मुर्गियां, अंडे, बैलगाड़ियां, सब कुछ उस दूध की मानिंद था, बिखरा हुआ। नहीं, अब मैं गांव नहीं जा सकती। मेरे पास बेचने के लिए दूध नहीं है। मैं कल शादी में भी शिरकत नहीं कर सकती। मैं दादी अम्मा से क्या कहूंगी? अब गीता सिर्फ एक ही आवाज सुन सकती थी, जो आवाज उसकी दादी अम्मा की थी। हवाई किले मत बनाओ,